क्या कर रहे हैं सलमान? क्या हो क्या अपनी पे? क्या बात है, क्या बात है? शादी बच्चे शादी, आगे बढ़ो, देश के बारे में सोचो। ये पूरी आगे बाजू है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर संकेत भोसले। आज की शाम रदर, ये हमने दोपहर से शुरू कर दिया है, ये सितारों की शाम है। आज हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं इस राउंड टेबल की शान बढ़ाते हुए बिग बी भाईजान, किंग खान और हमारे अक्की पाजी। आज आपके साथ में इस राउंड टेबल पर बैठकर बहुत अच्छा लगा। इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई है यहाँ पे यार। और अब जिसकी आवाज आएगी वो सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये टाइम रुक चुका है। अक्षय भाजी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, छोटी छोटी बातें पकड़ रहे हैं आप। राउंड टेबल का बोल के हमको सीधी टेबल पे बिठा दिया आपने। मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ बहुत ज्यादा इस बात को लेके कि आपको सबसे पहले अक्षय कुमार दिखते हो, ये किसने कहा? या फिर आपको शाहरुख खान दिखते हो आप बिल्कुल यार, ये किसने कहा था? अरे सेम भाईजान लग रहे हो, किसने कहा था? जब मैं 13 साल का था तो वही पहले पतला दुबला सलमान सर जैसा लुक था, लंबे बाल, एक लड़की थी जो ऊपर से बोलती थी सल्लू सल्लू, और मैं देख के उसको शर्मा जाता था। उसके बाद से फिर थोड़ा मैंने अपने आप में थोड़ा आईने में देखना स्टार्ट किया, बाल बनाना, और फिर आज इस मुकाम पे यहाँ पे आके बैठा। अक्की पाजी बताइए, आपको पहली बार किसने कहा कि आप अरे सेम अक्षय कुमार यार? मैं 16-17 साल का था तो क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो गया, तो मैं 15-20 दिन घर पे ही बैठा रहा, और बस वो दाढ़ी आना शुरू हुआ ही था 16-17 साल की उम्र में, जो आप जानते हैं जवानी के दिन होते हैं। तो मैं घर पे बैठा हुआ था, एक बोतल पे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे, अक्षय कुमार की बोतल पे गौर फरमाया जाए। तो मैं नाम नहीं ले रहा, नाम लेने का मना बोला, दिमाग देखो मेरा। तो उस पे अक्षय जी का फोटो था और मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के टीवी देख रहा था, तो मेरी सिस्टर आई, बोला अरे तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो मैंने गौर किया, मैंने ऐसा दिख रहा हूँ मैं? तो वो ये था, एंड वो बात है 2006 की। तो जब दोस्तों के सामने किया तो उनको बड़ा मजा आया देख के। जैसे कि मैं जब फरहान अख्तर की आवाज़ निकालता हूँ तो मुझे शुरू में मुझे ये आदत थी, अब तो चलो मैं अचानक भी ऐसे हाय गाइस कैसे हैं आप, ऑल गुड। अगर आपको कोई फिल्म में काम करना हो तो प्लीज़ आप मेरे पास आइए, मेरे पास कई फिल्में रेडी हैं। हाँ, प्लीज़। हाँ। तो ये फर्स्ट गियर था, तो आप लोगों का फर्स्ट गियर क्या है? शाहरुख भाई का एक ही है सिग्नेचर स्टेप, वो खड़े होएंगे और खड़े होने के बाद सीधा हाथ खोल देंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप दोनों को भी हमने बहुत बार सारे रील्स में देखा हुआ है, तो आप इन चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं? और मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी के कमेंट्स क्या आते हैं? बहुत आसान है, बुरे कमेंट्स आए तो कमेंट्स ऑफ का ऑप्शन आता है उसमें। ये पूरी आखी बाजू है। बच्चन सर, मतलब आप लुक कैरी करके जाते हो कहीं जाते वक्त या नॉर्मल गौरव बन के जाते हो? गौरव बन के जाते हो। लेकिन ऐसा होता है कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे किसी से बात करते हो, बात करते करते अपने ऐसा करते हो? कर दो, समझ जाते हो, गलती से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी सीखने ट्रेन में मिलता है सर, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं ऐसे तो बाहर लटकते, भाई गाड़ जगा दे उसको अंदर आए, क्या नमस्कार आना। और आप अगर आप वैसे दिख रहे हो जब आप फैमिली के साथ, मान लीजिए आप बच्चे हैं, आपके बड़े बड़े बच्चे हैं और आप उनको लेकर कभी मार्केटिंग के लिए जाते थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता था? मतलब लोग बीवी तो परेशान है क्या? जहाँ भी हम जाते हैं तो फ्री स्पेस मिलता ही नहीं है फोटो, इतना रिस्पेक्ट तो अल्लाह का एहसान है। बस एक इतने बड़े सुपरस्टार की एक थोड़ी सी झलक मिलने की वजह से लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। वाह क्या बात बोल दिया। तो मैं ये कह रहा था आपसे, जब लड़कियां आपके पास आके फोटो खिंचवा, आप बीवी के साथ मार्केट में जा रहे हैं तो जब फोटो खिंचवाने, तो आपकी बीवी जेलस नहीं होती कि ये लड़कियां क्यों आ रही है आपके साथ फोटो? भाभी भी समझ गई है ना? नहीं नहीं भाई, कोई अरे और घर का समझ जाए, उस टाइम समझ जाए क्या? पूछो इनसे, इन बातों से मुझे लग रहा है विक्रम शादी हो चुकी है। हाँ हो चुकी शादी। देखो आप ये तो मुझे भी नहीं, प्रोग्राम शुरू हुआ है, शादी बच्चे, फैमिली शो आपकी हो गई, वाकई में पूछना है, शादी बच्चे शादी, आगे बढ़ो, देश के बारे में सोचो। जब भी हम फैमिली में जाते हैं अपने सिस्टर के इधर या भाई के इधर, पड़ोस वाले वो लोग भी आ जाते हैं कि ऐसा लुक लग यार, ऐसा लड़के का लुक लगाया है, तो वो उनको देख के हमें भी बहुत खुशी होती है। सवाल क्या पूछते हैं, बात क्या करते हैं? मतलब ये पूछते हैं आपसे कि क्या अरे यार ओरिजिनल वाले से मिले थे क्या, क्या बोला उन्होंने, ऐसा कुछ पूछते हैं क्या? हाँ पूछते हैं कि आपने किया उनके साथ, जब हम बताते हैं हमें उनके साथ अभी बॉडी डबल कर रहा था, ये एड की शूट थी, ये मूवी की शूट थी, उसमें कर रहा था, तो कैसा रिएक्शन था उनका, वो कैसे? ये सारे सवाल आपको आते रहते हैं, ये सारे पूछते हैं। विकल्प आपको, जैसे आपकी पहली बार अक्की जी से कब मुलाकात हुई अक्षय कुमार? मैं एज अ फैन उनका आया था, मैं राजस्थान से पूरी रात बिना टिकट ट्रेन का सफर करके, जब मुझे पता चला कि अक्षय जी एक स्टूडियो में शूट कर रहे हैं 13-14 साल पहले की, एक मिनट का मौका मिला, मैंने कहा सर लोग बोलते हैं कि मैं आपके जैसा, हाँ वेरी गुड बेटा, अच्छा करता है, मेहनत करो आगे बढ़ोगे, ऐसा उन्होंने बोला था, बहुत गजब का एक्सपीरियंस था। तो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको कि एक शादी में गए हो, सारे वहाँ पे बिग बी है, भाईजान है,
हमारे शाहरुख भाई है, आपकी बाजी है, शादी में एक घंटे से आप बैठे हो टेबल पर, आपको अभी तक खाना सर्व नहीं हुआ, तो आप इरिटेट हो रहे हो, लेकिन बिल्कुल उस उन एक्टर्स के अंदाज में, तो वो कैसे होंगे? एक्शन! क्या यार, एक घंटा हो गया, ये लोग खाना कब लाएंगे? बुला के बेइज्जती करवा रहे हम लोगों की। भाईजान, मैंने बोला था यहाँ नहीं आना, ये बंदा हमेशा लेट करता है खाना आने में, कैटरिंग वालों को कम पैसा देता है ये। तू सही बोल रहा है यार, रखी यार, एक घंटे से इनको दवाई लेनी है। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि खाना बना ही नहीं है, फिर पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे यार। अंदर से आवाज आई कि चिकन तंदूरी बन चुकी है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, चिकन बन रहा है यार। लाओगे कि नहीं? क्या हूँ क्या अपनी पे भाई? अरे मुझे आपका गुस्सा बहुत खराब है। मैं ऑयली नहीं खाऊंगा, खीर पूड़ी नहीं खाऊंगा मैं। मेरे लिए सैलेड लेकर आओ और वो करेले का जूस। अरे इससे तो मैं भी डाइट पर ही रहता हूं। वाओ, इनकी बातों से यकीन हो गया कि अगर आप लुक लाइक दिख भी गए, बनना बहुत मुश्किल। जानने के लिए आप खुद ही देख लीजिए किलर सूप, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स।